तो खेसारी लाल यादव के सभी फैंस खेसारी लाल यादव से बहुत ही नाराज चल रहे हैं मेरे भाई। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आज से पहले मैं भैया के फैंस को कभी भी इतना नाराज नहीं देखा था जितना कि नाराज अभी चल रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी सबूत के साथ आपका भाई आपको बताएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल से नहीं जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी जहान में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दें मेरे भाई कि जब से खेसारी भैया का पहला देवी गीत रिलीज हुआ है, तभी से जितने भी उनके चाहने वाले फैंस हैं सभी लोग भैया से बहुत ही नाराज चल रहे हैं। नाराज इसलिए चल रहे हैं कि खेसारी भैया ने पवन सिंह के गाए हुए धुन पर फिर से उठाकर देवी गीत गा दिया, और देवी गीत भी ऐसा गाए जिसका कोई लॉजिक ही नहीं निकल रहा है कि देवी माइये से हिला, प्रखंड हो या जिला देवी माइये से हिला, इसका अगर देखा जाए तो कोई लॉजिक ही नहीं निकल रहा है। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी गलती कि खेसारी भैया के इस गाने का जो थंबनेल लगाया गया है उसमें एक भी दुर्गा माता का फोटो नहीं लगाया गया है, तो ये कैसा भजन है मेरे भाई। ये सारे चीज को देखकर खेसारी भैया के जितने भी फैन पे चलाने वाले फैंस थे, खेसारी भैया के जितने भी यूट्यूबर थे, खेसारी भैया को जितने भी लोग सपोर्ट करने वाले हैं सभी लोग नाराज हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दूं कि फैन पेज वाले भाई लोग तो पोस्ट कर रहे हैं कि भैया अब दोबारा ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक भाई है जो लिखते हैं क्या, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, कृपया ऐसे गाने न गाइए जिससे कि आपके फैंस को शर्मिंदा होना पड़े, भजन को एकदम मजाक बना के रख दिए हैं आप, स्टार्डम का कदर कीजिए भैया, वक्त है पहचानिए अपने अस्तित्व को, सारी गलतियां आपकी है, आपसे कोई जबरदस्ती थोड़े गवा लेता है, प्लीज धर्म का मजाक मत बनाइए, आप राजा हैं इंडस्ट्री का तो उस पद को पहचानिए, ऐसा एक भाई लिखते हैं। और करीब देखा जाए तो सभी खेसारी फैंस का कहीं ना कहीं यही पोस्ट आ रहा है जो भी भैया का फैन पे चलाते हैं। और मेरे कमेंट बॉक्स में भाई आज से ज़्यादा ऐसा कमेंट मैंने कभी भी नहीं देखा था। कैसा भी गाना आता था खेसारी भैया का, लेकिन उनके फैंस इतना नाराज नहीं होते थे जितना नाराज इस बार हुए हैं मेरे भाई। तो प्लीज़ जितने भी मेरे खेसारी भैया के टीम वाले लोग हैं, अगर कोई भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अब से कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे कि आपके फैंस को शर्मिंदा होना पड़े, जो आपको सपोर्ट करते हैं वही आपका विरोध करने लगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब से ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और रहा बात मेरे भाई की, अब दूसरा गाना भी आने वाला है, तो दूसरे गाने को शायद बताया जा रहा है कि अनंता म्यूजिक वर्ल्ड से आएगा और टुनटुन यादव उस गाने को लिखे हैं। तो टुनटुन यादव का भक्ति गाना लिखने का तरीका बहुत ही अलग होता है और बहुत ही अच्छा गाना लिखते हैं। तो इस गाने से तो उम्मीद है कि ये कुछ बड़ा करेंगे, बहुत ही खास करेंगे, क्योंकि ये लिखे हैं कि 100% हिट बा ऐसा कुछ पोस्ट करके और बताए हैं, तो उम्मीद तो करूंगा कि हिट ही रहना चाहिए। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, और आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए, क्योंकि आप हैं तभी कोई भी स्टार है और आपके बिना सब लोग अधूरा है। तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।